हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप भी गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको गोवा ट्रिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप गोवा कैसे पहुंच सकते हैं, वहां जाकर आप कौन सी होटल लें, कहां लंच डिनर करें और कितने दिन का प्लान बनाएं, जैसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। गोवा इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है और यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा बीचेस हैं। गोवा घूमने का प्लान बनाते समय आपके माइंड में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हम नॉर्थ गोवा जाएं या साउथ गोवा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो नॉर्थ गोवा जाएं और अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो साउथ गोवा जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ गोवा जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है और अपनी नाइट लाइफ और वहाँ होने वाली पार्टीज़ के लिए जाना जाता है, जबकि साउथ गोवा बहुत ही लेस क्राउडेड है और क्लीन रहता है, जो कि एक फैमिली वेकेशन के लिए बहुत अच्छा है। बट मैं इस वीडियो में आपको जो प्लान बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे तो आप नॉर्थ गोवा और पंजिम दोनों की मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस को कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गोवा पहुंचने की। तो आप गोवा बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन कैसे भी पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो यहाँ दो एयरपोर्ट है, एक है डेबोलिन एयरपोर्ट और दूसरा है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपको नॉर्थ गोवा विजिट करना है तो आप मोपा एयरपोर्ट की टिकट बुक करें और अगर साउथ गोवा विजिट करना है तो आप डेबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टिकट बुक करें। अब बात करते हैं आपको गोवा पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से होटल जाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला तो यह है कि आप टैक्सी बुक करके होटल तक जा सकते हैं, बट अगर आप वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी लेंगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए आप वहाँ गोवा माइल्स करके एक एप्लीकेशन चलता है उसके थ्रू करेंगे तो आपको थोड़ा टैक्सी फेयर कम लगेगा। तो आपके पास एक तो यह ऑप्शन है कि आप वहाँ पर टैक्सी ले लें क्योंकि वहाँ पर ओला उबेर नहीं चलता है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो एयरपोर्ट से जितने भी मेन टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ तक जाने के लिए बसेस चलती है, बट बस का भी वहाँ पर टाइमिंग फिक्स रहता है। आप एयरपोर्ट पर पहुंचकर एक बार चेक कर ले कि बस कितनी बजे तक है। अगर ज़्यादा लेट है तो आपके लिए टैक्सी से जाना ही ज़्यादा सही रहेगा। हम भी 2:30 से 3 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे, बट वहाँ से बस 5 बजे थी तो हमको 2 घंटे और वेट करना पड़ता, इसलिए हमने भी टैक्सी हायर की थी। अब बात करते हैं ट्रेन से आने वाले की। अगर आप पहले नॉर्थ गोवा विजिट करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि थिविम रेलवे स्टेशन की टिकट लें, क्योंकि यह नॉर्थ गोवा के सभी बीचेस और टूरिस्ट प्लेसेस के पास पड़ता है। तो आप यहां तक की टिकट लें और यहां आने के बाद आप गोवा माइल्स करके एक एप्लीकेशन है उससे टैक्सी बुक करके अपनी होटल तक जा सकते हैं, या फिर यहीं पर टैक्सी काउंटर है, यहां से आप टैक्सी बुक करा सकते हैं, या फिर स्टेशन से बाहर निकल कर आप बस भी पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं होटल की कि आप यहाँ पर कौन सी होटल लें और कहाँ पर लें। अगर आपने ऑनलाइन होटल बुक नहीं की है और आप अगर यहाँ पहुँचकर अपनी बजट के अनुसार होटल लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ पर टिटोज लेन में या इसके आसपास लें होटल। यहाँ से आपको बागा बीच भी पास रहेगा और यहाँ पर आपको 1500 रुपये से ही रूम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ से आपको बागा बीच और टिटोज लेन दोनों की नाइट लाइफ देखने को मिल जाएगी। अगर आपका होटल पास रहेगा तो आपको यहाँ आसपास बागा बीच और टिटोज लेन में घूमने के लिए बार बार स्कूटी की जरूरत नहीं लगेगी और आपको यहाँ पार्किंग चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं गोवा में घूमने की कि आप गोवा में घूमें कैसे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर स्कूटी रेंट से ले लें। यह आपको यहाँ 400 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। अगर आप पुरानी एक्टिवा लेते हैं तो आपको 300 रुपये तक भी मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर बाइक या कार भी रेंट से ले सकते हैं, बट स्कूटी का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ स्कूटी रेंट से लेने के लिए आपको हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर रेंटल सर्विस की शॉप मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। स्कूटी रेंट से रहते समय आपको अपना एक कोई भी आईडी प्रूफ वहाँ जमा करवाना होगा और जब आप उनको स्कूटी जमा करवाएंगे तब वो आपको वहाँ आईडी प्रूफ रिटर्न कर देंगे। स्कूटी में पेट्रोल आपको ही डलवाना रहेगा। स्कूटी रेंट से लेते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप एक बार उसको सही से चेक कर लें और उसका एक वीडियो बना लें, क्योंकि बहुत सी स्कूटी रेंटल वाले स्कूटी में कुछ भी स्क्रैच वगैरह दिखाकर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं।
और हाँ, स्कूटी चलाते समय हमेशा हेलमेट पहन कर ही रखें, क्योंकि गोवा में विदाउट हेलमेट के सबसे ज़्यादा चालान काटे जाते हैं। अब बात करते हैं लंच डिनर की। अगर आपकी होटल टीटोज लेन में है या फिर बागा बीच के आसपास है, तो आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच डिनर करने के लिए नवरत्न प्योर वेज उडुपी रेस्टोरेंट पर जा सकते हैं। यह टीटोज लेन में ही एक बेस्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको सही रेट में बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, और यहाँ पर सवेरे ब्रेकफास्ट के लिए 8 बजे से 12 बजे तक ऑफ़र भी रहता है मॉर्निंग में। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज, सी फूड, रशियन फूड, जो भी आप खाना पसंद करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर बागा बीच पर भी बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं। अब बात करते हैं गोवा में घूमने के लिए कितने दिन का प्लान बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ घूमने के लिए आप 3 डेज का प्लान बना सकते हैं। आप अपने बजट और टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा दिन का भी रख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले डे 1 में मॉर्निंग में बागा बीच से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। उसके बाद आप बागा बीच घूम के कैलंगुट बीच जा सकते हैं। वहाँ से आप कैंडोलिम बीच और सिंक्वेरियम बीच, ये चारों बीच सेम रूट पे हैं। और सिंक्वेरियम बीच के पास में ही अगोरा फोर्ट है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप सिंक्वेरियम बीच के बाद अगोरा फोर्ट चले जाइए, और अगोरा फोर्ट के पास ही लाइट हाउस है। यह भी देखने की एक बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। ये सभी प्लेसेस एक ही रूट पर हैं और इनके बीच ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो आप ये सारे प्लेसेस डे 1 में, मतलब एक दिन में कवर कर सकते हैं। यह सब कवर करते हुए आपको इवनिंग हो जाएगा, देन आप होटल पहुंचकर थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने के बाद आप नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए टीटोज लेन चले जाइए। मैं आपको तीनों दिन का प्लान रूट के अकॉर्डिंग ही बताऊँगी, ताकि आपका समय और पैसा दोनों बच सकें। अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 में आप सबसे पहले अंजुना बीच चले जाइए। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करना है तो आप वहाँ पे कर लीजिए। वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ का चार्जेस अदर बीचेस के कंपैरिजन में कम है। अब मैं आपको थोड़ा सा वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर आप स्पीड बोट राइडिंग, जेट स्कीइंग, बनाना राइड, बम्पर राइड, पैरासेलिंग जैसी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सभी एक्टिविटीज़ का पैकेज लेते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ में सारी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। बट अगर आप सिंगल करना चाहते हैं, कोई एक या दो एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपको पर एक्टिविटी 500 से 600 रुपये तक पे करना पड़ सकते हैं। यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद आप यहाँ से फ्री होकर चपोरा फोर्ट चले जाइए। यह भी एक बहुत ही अच्छा फोर्ट है, और यहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग भी हुई थी। वहीं से पास में वैगेटर बीच है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप चपोरा फोर्ट के बाद वैगेटर बीच चले जाइए। ये एक बहुत ही अच्छा बीच है, यहाँ पर जाकर आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको वैगेटर बीच पर पहुँचते हुए शाम हो गई है, अगर आप वहाँ पे मतलब इवनिंग के टाइम पे गए हैं, इवनिंग के टाइम पे पहुँचे हैं, तो आप वहाँ पर सनसेट व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ गोवा में किसी भी बीच से सनसेट व्यू देखने का एक अलग ही मज़ा है। अब यहाँ से आप फिर अपनी होटल चले जाइए, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कीजिए। अगर आप डे 1 में टीटोज लेन और बागा बीच की नाइट लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाए हैं, तो आप डे 2 में कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 में आप पंजिम चले जाइए। यहाँ पर आप सबसे पहले फाउंटेन हाउस चले जाइए। यह कलरफुल हाउसेस की एक स्ट्रीट है। इसके बाद आप यहाँ से फ्री होके इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च चले जाइए। इसके बाद आप बेसिलिका ऑफ वॉर्म जीसस चर्च जा सकते हैं। यह गोवा का सबसे फेमस चर्च है। अगर आप चर्च में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप मीरामार बीच चले जाइए। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोटिंग का 300 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय करने को मिलेगा। इसके बाद आप वहाँ पर नाइट में कसिनो जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कसिनो रहते हैं, और इनके चार्जेस 1500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें अल्कोहल, फूड, एंटरटेनमेंट बहुत कुछ कवर हो जाता है। इस तरह से आप अपना डे 1, डे 2 और डे 3 का प्लान बना सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप आपका प्लान ज़्यादा दिन का भी रख सकते हैं। और इस तरह से आप 3 दिनों में गोवा के मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस को कवर कर सकते हैं और अपना गोवा ट्रिप कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।